आज भारत में शायद ही कोई इंटरनेट यूजर होगा जो फ्लिपकार्ट के नाम से परिचित ना हो। फ्लिपकार्ट आज भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों में से एक है। फ्लिपकार्ट की शुरुआत 2007 में सचिन बंसल और बिनी बंसल ने महज 4 लाख रुपए से की थी, और मई 2018 में जब वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को खरीदा तब फ्लिपकार्ट की वैल्यूएशन 1 लाख करोड़ के पार जा चुकी थी। अगर इसे आसान भाषा में बोला जाए तो एक कंपनी जो 2007 में महज 4 लाख रुपए से शुरू होती है और 2018 में यानी कि सिर्फ 12 साल में 1 लाख करोड़ की हो जाती है, तो ऐसे स्टोरी को हमें जानना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम फ्लिपकार्ट की सफलता की पूरी कहानी को जानेंगे, तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। मेरा नाम है आशुतोष और स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फ्लिपकार्ट की शुरुआत सचिन बंसल और बिनी बंसल ने मिलकर की थी। सचिन बंसल का जन्म चंडीगढ़ में हुआ था। उनके पिता एक बिजनेसमैन हैं और उनकी माँ एक हाउसवाइफ है। सचिन बंसल ने IIT दिल्ली से अपनी BTech कंप्यूटर साइंस में पूरी की है। बिनी बंसल भी IIT दिल्ली के ही छात्र थे और वो भी चंडीगढ़ से ही थे। दोनों का बैकग्राउंड लगभग सेम ही था। IIT से पढ़ाई पूरी करने के बाद ये दोनों अमेजन में काम करने लगे। अमेजन में कुछ साल काम करने के बाद इन्हें लगा क्यों ना इंडिया में अपनी ई कॉमर्स कंपनी शुरू की जाए, और इन्होंने अपनी ई कॉमर्स कंपनी शुरू करने के लिए बिनी बंसल और सचिन बंसल दोनों एक साथ अमेजन जैसे बड़े कंपनी से रिजाइन कर देते हैं। इसके बाद ये दोनों इंडिया चले आए और 5 सितंबर 2007 को इन्होंने अपनी ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट की शुरुआत की। फ्लिपकार्ट जब भारत में शुरू की गई उस टाइम भारत में कुछ गिने चुने ही ई कॉमर्स कंपनीज थी, और जो कंपनीज थी उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा था क्योंकि उस समय तक लोग ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर ज़्यादा फेयरलेस नहीं थे। लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग पर भरोसा नहीं था। लोगों को लगता था किसी चीज़ को बिना छुए बिना देखे वो कैसे ले सकते हैं, और लोग सामान मिलने से पहले ऑनलाइन पेमेंट भी नहीं करना चाहते थे। इसी प्रॉब्लम को देखते हुए फ्लिपकार्ट ने भारत में पहली बार कैश ऑन डिलीवरी का कॉन्सेप्ट लाकर लोगों की मानसिकता को बदल दिया। कैश ऑन डिलीवरी की वजह से उन्हें अपनी कंपनी को ग्रो करने में काफ़ी मदद मिली। इससे पहले हर शॉपिंग साइट केवल डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड से ही पैसे लेती थी, लेकिन भारत के लोग इससे पेमेंट करने में डरते थे। महज 4 लाख के इन्वेस्टमेंट के साथ यह कंपनी 2007 में किताब बेचने से शुरू होती है। सचिन बंसल और बिनी बंसल खुद स्कूटर से किताब की डिलीवरी करने जाते थे और बुक स्टोर के सामने खड़े होकर पैम्पलेट बांटा करते थे। कंपनी बहुत धीरे धीरे ग्रो कर रही थी। 2008 तक फ्लिपकार्ट को सिर्फ रोज 100 ऑर्डर ही मिल पा रहे थे। 2009 में एसएल इंडिया फ्लिपकार्ट पर $1 मिलियन इन्वेस्ट करती है। फिर 2010 में टैगर ग्लोबल $10 मिलियन और फिर 2011 में फिर से $20 मिलियन इन्वेस्ट करती है। 2010 में फ्लिपकार्ट बेंगलुरु बेस्ड सोशल बुक डिस्कवरी सर्विस वीरीड को एक्वायर करती है, और इसके बाद धीरे धीरे फ्लिपकार्ट पॉपुलर होने लगा। मई 2012 में फ्लिपकार्ट ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल कंपनी लेट्स बाय को एक्वायर करती है। मई 2014 में फ्लिपकार्ट $280 मिलियन में ऑनलाइन फैशन रिटेल कंपनी मंत्रा को एक्वायर कर लेती है। दिसंबर 2014 तक फ्लिपकार्ट की वैल्यूएशन $11 बिलियन तक पहुंच जाती है। अगस्त 2017 में फ्लिपकार्ट सॉफ्टबैंक के विजन फंड से $2.5 बिलियन की फंडिंग उठाती है। 2017 में इंडिया में जितने भी फोन्स ऑनलाइन बिके थे उनमें से 51% फ़ोन फ्लिपकार्ट से ही खरीदे गए थे। मई 2018 में वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट का 77% स्टेक्स $16 बिलियन में खरीद लेती है। इसके साथ ही सचिन बंसल कंपनी से रिजाइन कर देते हैं। इसके साथ ही सॉफ्टबैंक भी अपना फ्लिपकार्ट का 20% स्टेक्स वॉलमार्ट को बेच देती है, जिसे कि $2.5 बिलियन में उन्होंने 9 मंथ पहले ही लिया था। यहाँ सॉफ्टबैंक को अपने हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलता है। $2.5 बिलियन का सिर्फ 9 मंथ में उन्हें $4 बिलियन का रिटर्न मिलता है। 13 नवंबर 2018 को फ्लिपकार्ट के CEO बिनी बंसल भी फ्लिपकार्ट से रिजाइन कर देते हैं। बहरहाल जो भी हो, यदि कोई आदमी 4 लाख रुपए लगाकर किसी कंपनी को शुरू करता है और महज 13 साल में उस कंपनी को 1 लाख करोड़ रुपए में बेच देता है तो यह काबिले तारीफ है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।